वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया था, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एक प्लांट करता है, उसके बाद वो ग्लूकोज फूड प्रोडक्ट बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है जो हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या जो पूरी केमिकल रिएक्शन है वो टू स्टेप्स में कम्प्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप होती है लाइट रिएक्शन और सेकेंड स्टेप होती है डार्क रिएक्शन। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस हमें पहले से पता है कि प्लांट शो करते हैं, एग्जैक्टली प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर मीसोफिल सेल्स में होती है, और अगर डीपली पढ़े तो वो मीसोफिल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि लाइट रिएक्शन का एग्जैक्टली लोकेशन क्या होता है एक प्लांट के अंदर, एक लीफ के अंदर, और लाइट रिएक्शन होने के बाद में क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। बिकॉज लाइट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। तो एक फोटोसिंथेसिस की केमिकल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, इसको लाइट डिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज अगर सनलाइट या कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो प्लांट की लीफ के अंदर लाइट रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, यानी कि लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये वाला पॉइंट हम बाद में क्लियर करेंगे। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। फोटोसिंथेसिस की सेकेंड स्टेप है डार्क रिएक्शन। जैसे ही लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है तब डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, और इस रिएक्शन को यानी कि सेकेंड स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस को लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं। यानी कि डार्क रिएक्शंस, लाइट इंडिपेंडेंट फेज एंड केल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी इसके नाम है। केल्विन साइकिल इसलिए इसका नाम पड़ा है बिकॉज ये मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर करी थी, और C3 साइकिल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि डार्क रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स 3 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। फर्स्ट हम जानते हैं कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है। ये हो गया एक प्लांट, ये हो गई इसकी लीफ। इसके पहले के वीडियोज में हमने पढ़ा है लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, थायरोकॉइड्स। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो इसका पहला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और थायरोकॉइड के अंदर यानी कि एक सिंगल थायरोकॉइड की बात करें, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पे हमने देखा था कि जो थायरोकॉइड, अगर मैं ये बना रही हूं तो इसकी मेम्ब्रेन पे हमने पढ़ा था एक फोटोसिस्टम। क्या पढ़ा था, फोटोसिस्टम, या फिर इसका दूसरा नाम है LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये एग्जैक्टली जो थायरोकॉइड की मेम्ब्रेन होती है वहां पर लाइट रिएक्शन होता है। कहां पर, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गया लाइट रिएक्शन का, थायरोकॉइड मेम्ब्रेन। फाइन, अब इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। टू टाइप्स के फोटोसिस्टम थे, PS2 एंड PS1। तो लाइट रिएक्शन अगर आपको पूरी तरीके से समझना है तो फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन सेंटर है, पिगमेंट्स क्या है, और उसकी लोकेशन यानी कि फोटोसिस्टम की लोकेशन जैसे कि मैंने यहां बताई थायरोकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, तब जाकर आप समझोगे कि लाइट रिएक्शन किस तरीके से होती है। अगर आपको फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो इसका पहला वाला वीडियो देख लीजिए, तब जाके आपको लाइट रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। सेकेंड बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की। अब लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद में क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, यहां बनते हैं ATP एंड NADPH2। ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं किसमें, लाइट रिएक्शन में, और यही प्रोडक्ट्स कहां यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। तो आपने ध्यान दिया,
फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोडक्ट ग्लूकोज है वो अभी तक लाइट रिएक्शन में नहीं बना है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज फॉर्म नहीं होता है। क्या फॉर्म होता है? एटीपी एंड एनएडीपीएच2। तो अब लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, इसको हटाने के बाद में एक बड़ा सा थैलोकॉइड मेम्ब्रेन बनाएंगे, फोटोसिस्टम्स बनाएंगे और देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है।